खरगोन उपद्रव घटना के बाद उपद्रवियों की सर्चिंग लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट महिलाओं ने मंगलवार को मोहन टाकिज इलाके में चक्का जाम किया था, जिसके एवज में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें एक महिला डॉक्टर सहित 6 महिला पुरुषों पर FIR दर्ज हुई। बता दें, घटना के बाद खरगोन सहित जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि मार्ग अवरुद्ध करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की और नियम विरुद्ध कार्य करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। दो दिन पहले कुछ लोगों द्वारा कुछ मार्ग अवरुद्ध करके और फिर एक रैली के रूप में जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा था। क्योंकि रोड अवरुद्ध किया गया था, इस पर से भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एक अपराध पंजीकृत किया गया। 6 उसमें नामजद हैं और कुछ अन्य अज्ञात लोग हैं, जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, एक महिला डॉक्टर भी है। हाँ, ज्ञात हुआ है कि उसमें से एक प्रदर्शनकारी हैं, शासकीय सेवा हैं, तो उसके विरुद्ध जो है प्रतिबंधन संबंधित विभाग का ये मुद्दे को भेजा जाता है। किस प्रकार से सर इसमें कार्रवाई होगी? सर, भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीकृत हुआ, उसके विधि अनुसार कार्रवाई होगी। और चूंकि शासकीय सेवा थी तो उसमें जो भी सिविल सर्विस रूल से उसके अंतर्गत कार्रवाई करने के संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। सर, धारा 144 भी लगा दी गई, क्या रहेगा अभी जो संवेदनशीलता है और स्थिति को देखते हुए 2 माह के लिए 10 जुलाई तक के लिए एक आदेश पारित हुआ, जिसमें किसी भी राजनीतिक धार्मिक जुलूस जलसे या फिर रैली प्रदर्शन आदि पर जो प्रतिबंधित किया गया कि बिना अनुमति के ये प्रदर्शन न हो, इस संबंध में आदेश पारित किया। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।